करनाल में पिछले काफी समय से अशुद्ध पानी की सप्लाई हो रही है, क्योंकि पानी को साफ करने के लिए उसमें दवा नहीं डाली जा रही है। इतना ही नहीं, करनाल उपायुक्त के घर से जो पानी का सैंपल लिया गया था वो भी फेल पाया गया है। यह आरोप धरने पर बैठे कर्मचारियों ने नगर निगम की कार्यशैली पर लगाया है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि 2 साल पहले शहर में पानी और सीवरेज का काम नगर निगम को दे दिया गया था, साथ ही पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी नगर निगम में आ गए थे, लेकिन अब 2 साल के बाद उन्हें दोबारा से पीडब्ल्यूडी में भेज दिया गया है, जिससे कर्मचारी सरप्लस हो गए हैं। इसके अलावा 3 विभागों में नियुक्ति और वेतन को लेकर भारी त्रुटियां हैं, जिसको लेकर कई बार सरकार को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। मजबूरन आज उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि प्रदेश भर में 3 दिनों तक धरना रहेगा। 1 दिन में 7 जिलों में धरना रहेगा और आगामी 14 मार्च को करनाल में विशाल रैली निकाली जाएगी, जिससे गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। यदि बावजूद इसके सरकार नहीं मानती तो उनकी स्टेट कमेटी के द्वारा आगामी आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की जाएगी उसी के अनुसार कर्मचारी आंदोलनरत होंगे। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस। में आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 12 में जिला सचिवालय के बाहर, और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर बड़े सारे कर्मचारी मौजूद हैं। ये हैं हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर 41 जिला कमेटी करनाल के कई सदस्य हैं, और इनकी क्या मांगे हैं और आज ये धरने पर क्यों बैठे हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी संघ के कर्मचारी नेता और कर्मचारी मौजूद हैं, और ये सरकार के खिलाफ और अपनी एकता को जिंदाबाद बता रहे हैं, और सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार के खिलाफ इनका क्या रोष है, सरकार के प्रति इनका क्या रोष है, इनकी क्या मुख्य मांग है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है कर्मचारी नेता। सर, आपका नाम? कृष्ण शर्मा, राज्य प्रधान हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन। शर्मा जी, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या एजेंडा क्या है आपका? लगातार सरकार से हमने जो ना मांग पत्रों के माध्यम से आंदोलन करके भी सांकेतिक तौर पर हमने जो ना मांग पत्र भेजे हैं, और इसमें जो ये सरकार आई है मुख्य तौर पर इसने तो एक एजेंडा बना लिया है कि इन विभागों को ख़त्म कर दिया जाए, और मुख्य तौर पर हमारे जो पीडब्ल्यूडी के जो 3 विभाग हैं जिसमें पब्लिक हेल्थ सिंचाई विभाग और BNR है, इसमें तो सीधे तौर पर सरकार ने अभी जो ना हमारे पिछले दिनों नगर निगमों को जो ना वाटर सप्लाई और सीवरेज का जो काम दिया, वहाँ कर्मचारी हमारे डेपुटेशन पर गए, डेपुटेशन पर 2 साल रखने के बाद नगर निगम ने उन कर्मचारियों को वापस पब्लिक हेल्थ में भेज दिया है। अब पब्लिक हेल्थ में वो सप्लाई शहर की नहीं रही तो उस कर्मचारियों को गांव में जाना पड़ा, और गांव की सप्लाइयाँ अब JJM के तहत, जल जीवन मिशन के तहत, अब वो सप्लाइयाँ पंचायतों के हवाले किया जा रहा है। यहाँ कर्मचारी सरप्लस हो रहे हैं, और जो वाटर सप्लाई की गुणवत्ता थी वो बिल्कुल 0 स्तर पर आ चुकी है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2 साल से नगर निगम में 1 दिन भी पानी में क्लोरीनेशन नहीं हुई है। बिना क्लोरीनेशन के पानी जनता को पिलाया जा रहा है, बिल्कुल अशुद्ध पानी जनता को पिलाया जा रहा है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम कहते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती। इस मामले पे हमने बार बार नगर निगम के अधिकारियों से भी मिले हैं, यहाँ तक कि उपायुक्त के नॉलेज में भी ये डाली है, और उपायुक्त महोदय के घर में जब खुद सैंपल लिया गया तो वहाँ का पानी का सैंपल फेल हुआ था। ये देखिए, ये थे मेरे साथ, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर उपायुक्त करनाल के घर से सैंपल जब लिया गया पानी का, वो पानी का सैंपल ही फेल पाया गया। इसके पीछे इन्होंने कारण ये बताया कि दो साल पहले इनका जो डिपार्टमेंट था नगर निगम को सौंप दिया गया था वाटर सप्लाई का, उसके बाद इन कर्मचारियों को वहां पर डेपुटेशन पर 2 साल तक रखा गया। 2 साल के बाद इनको दोबारा से यहां पर पब्लिक हेल्थ में भेज दिया गया। इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं है। इनका ये कहना है कि जब से नगर निगम ने यह कार्यभार संभाला है पानी सप्लाई का, शहर में अशुद्ध पानी दे रहा है। सबसे बड़ी बात मैं फिर आपको दोहराना चाहूंगा, फिर आपको बताना चाहूंगा कि उपायुक्त करनाल के घर का पानी का सैंपल अगर फेल पाया जाता तो आम आदमी को कैसा पानी मिल रहा होगा, यह सोचने की बात है, यह गंभीर विषय की बात है। और मेरे साथ एक और कर्मचारी नेता मौजूद है। सर, आज अभी आप जैसे अभी शर्मा जी ने बताया कि जब से आपको पब्लिक हेल्थ भेजा गया, पब्लिक हेल्थ दोबारा भेज दिया गया, पानी की गुणवत्ता खत्म हो चुकी है। आज इसके पहले आपने अपने मांग पत्र कई बार उपायुक्त महोदय तक पहुंचा दिए, सरकार तक पहुंचा दिए, लेकिन आपका कहना यह है कि सरकार जो है ठेका प्रथा पर उतारू हो चुकी है। आज किन किन जिलों में? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम लोग 100 कर्मचारी संघ से हैं और जिला कमेटी के सेक्रेटरी होने के नाते आज PWD वकैलिकल जो वर्कर यूनियन है, जो पूरे प्रदेश के जो स्टेट कमेटी के आह्वान पर अलग अलग जिलों में जो मांग पत्र अपना दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सरकार
मतलब सुनवाई करने की तो बात की दूर, ऊपर से कहीं ना कहीं जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी लगातार जो नीतियां इनकी लेके आने लग रही है उसका भरपूर विरोध पूरे प्रदेश में आप देखने मिल रहा। और आपने ये देखे कि 100 कर्मचारी संघ हरियाणा हमेशा जहाँ जहाँ कहीं ना कहीं कोई भी दबला कुचला समाज के साथ साथ ये तुम्हारा कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग खुद का वर्ग है, आज इसका भी कहीं ना कहीं सरकार जो प्रताड़ित करने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं एक प्रकार का जो सरकार अपने वायदे से मुंह कर रही है, इन सारी चीजों को लेकर आज 100 कर्मचारी संघ भी पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का पूर्ण रूप से समर्थन करते और इनके आंदोलन में पूर्ण रूप से भागीदारी करते हैं। सरकार को ये चेताने का काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पीडब्ल्यूडी के मैकेनिकल वर्कर यूनियन की जो स्टेट कमेटी है जिसके साथ पहले भी कई बार वार्ता हो चुकी है लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपनी अधिकारियों के ऊपर वो मात मह नहीं रही है। अब ये 100 कर्मचारी संघ ये कहना चाह रहा है कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं स्टेट कमेटी की इनको बुला के बातचीत करे दे, अन्यथा 100 कर्मचारी संघ पूर्ण रूप से समर्थन तो है ही, आने वाले समय में 100 कर्मचारी संघ हरियाणा अग्रणी रूप में आगे इनका पूरा मगर कहीं ना कहीं समर्थन करने का काम करेगा। देखिए ये थे हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ के नेता, इनका ये भी कहना है कि ये सरकार के निजीकरण के विरोध में यहाँ बैठे हैं, करना जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कर्मचारी विरोधी नीतियों पर नीतियों को लगातार लागू कर रही है और इन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है जिसे सर्व कर्मचारी संघ कहीं भी सहन नहीं करेगा। अगर आने वाले दिनों में इनकी पीडब्ल्यूडी की कमेटी के साथ सरकार की कोई वार्ता नहीं होती तो सर्व कर्मचारी संघ इनके बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए इनका समर्थन तो कर ही रहा है बल्कि अग्रणी भूमिका निभाएगा आंदोलन को तेज करने के लिए। मैं और लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतपाल सरोवा जी। सतपाल जी आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या मुख्य मांग क्या आपकी? मुख्य मांग हमारी यही है जो ठेका पर था उसको समाप्त किया जाए और जो नगर निगमों को सप्लाई दी गई है उनको वापस पब्लिक हेल्थ में लगाया जाए और जो निजीकरण वगैरह है जो महकमे को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है तो उसके बारे में हमारा यहाँ धरना जारी है। शर्मा जी ने अभी हमें से बात करते हुए बताया था कि पिछले 2 सालों में या 3 सालों में जो नगर निगम द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है शहर के अंदर उसको बिल्कुल भी क्लोरोनाइजेशन नहीं किया गया जिससे कि जाम जनता को अशुद्ध पानी मिलता आ रहा है, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, बिल्कुल कोई भी किसी भी आप भी जाकर चेक कर सकते हो किसी वाटर सोर्स पे कहीं भी अगर कोई दवाई डली हो या किसी कर्मचारी से पूछ सकते हो कब दवाई डली थी यहाँ। ये थे मेरे साथ एक और कर्मचारी नेता सतपाल सरोवा जी, इन्होंने इस बात को माना है जो इनके सीनियर्स ने हमें बताया था कि पिछले 2 सालों में 3 सालों में शहर में जो भी पानी को सप्लाई किया जा रहा है उसको क्लोरोनाइजेशन नहीं किया जा रहा, मतलब साफ है कि नगर निगम के द्वारा शहर में जो पानी को सप्लाई किया जा रहा है वह बिल्कुल अशुद्ध पानी है, उसमें क्लोरोनाइजेशन नहीं हो पा रही, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। इससे पहले इन्होंने हमें बताया कि उपायुक्त के घर का सैंपल भी फेल पाया गया था जो कि गंभीर बात है। मैं और कर्मचारियों से बात करने का प्रयास करूंगा और कर्मचारी मेरे साथ मौजूद है इस समय। सर आपका क्या कहना है आज की अपने इस धरने के बारे में, आप कब तक बैठे हैं यहाँ पर? हाँ जब तक कहते हैं टाइम के आज ज्ञापन देना आज इन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन देना है मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे फिर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में कर्मचारी नेता मौजूद हैं। इनकी मुख्य मांग क्या थी कि इनको दो साल पहले इनकी उसको कर दिया गया था, इनको नगर निगम इनका जो काम था पानी का और सीवरेज का नगर निगम को सौंप दिया गया था, 2 साल इनको वहाँ डेपुटेशन पर रखा गया, 2 साल के बाद इनको दोबारा से पब्लिक हेल्थ में भेज दिया गया जहाँ पर कर्मचारी सरप्लस है लेकिन निगम द्वारा जो काम किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत किया जा रहा है, वहाँ पानी की सप्लाई बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। इसके अलावा इनको शहर से गांव में भेजा गया लेकिन गांव में सरकार की योजना के तहत वहां पर भी इनके कामों को पंचायतों को सौंप दिया गया जिसको लेकर उनको भारी रोष है। शर्मा जी आप एक बात बताइए, आज कौन कौन से जिलों में आपका ये आपने हमें पहले बताया था कि 3 चरणों में आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, 1 दिन के अंदर आप 7 जिलों के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे, आज कौन कौन से जिलों में धरना प्रदर्शन होगा? हमारा जो प्रदर्शन है वो अंबाला करनाल रोहतक हिसार गुड़गांव फरीदाबाद व भिवानी में है और 18 को इसी प्रकार 7 जिले और 19 को इसी प्रकार 7 जिलों में हमारा 7 जिले बांटकर हमने जो है प्रोग्राम 3 चरणों में लगाया है। इस मांग के अलावा हमारी और भी काफी सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके ऊपर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है क्योंकि हमारी देखो पब्लिक हेल्थ में और इरीगेशन में जिन पदों की भर्ती योग्यता मैट्रिक ITI है उन सभी का वेतनमान 1900 रुपए ग्रेड पे है जबकि अन्य सभी डिपार्टमेंट में इन्हीं पदों की भर्ती क्वालिफिकेशन जो सेम है उनका वेतनमान 2400 रुपये है, यहाँ भी हमारे दोनों विभागों के साथ अन्याय हो रहा है। दूसरा सिंचाई विभाग में जो हमारे कनाल गार्ड लगे हुए हैं वो ग्रुप डी में लगे हुए हैं और पूरे हरियाणा की ग्रुप डी की भर्ती योग्यता केवल मैट्रिक है, उससे पहले अंडर मैट्रिक थी 8वीं पास थी लेकिन जो कनाल गार्ड लगाए भर्ती योग्यता प्लस टू प्लस
फिजिकल पुलिस से भी ज्यादा इवन के तैराकी तक उनकी ली गई है। लेकिन हमारी मांग है कि इतनी ज्यादा भर्ती योग्यता के बाद उन लोगों को तृतीय श्रेणी में लिया जाना चाहिए था, इसलिए हमारा अनुरोध है कि उन लोगों को तृतीय श्रेणी में लिया जाए। तो इन सभी सात लोगों के साथ हमने काफी प्रयास किया है, मांग दिया है, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे सेवा नियमों में इस प्रकार का प्रावधान है कि 6 पदोन्नति होने पर केवल एक बार वेतनमान चेंज होता है, मतलब हम 6 बार पदोन्नत हो जाएं तो वेतनमान एक बार चेंज होगा, हर 3 पदोन्नति के बाद कोई वेतनमान चेंज नहीं होता। इस प्रकार के हमारे सेवा नियम बनाए गए हैं जिसको लेकर लंबे समय से हम आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार इन सेवा नियमों की त्रुटियों पर, वेतन की त्रुटियों पर कतई तौर पर ध्यान नहीं दे रही है। इवन के जो हमारा इस इन विभागों में हजारों कई हजार कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्षों से विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका विभाग में कहीं नाम नहीं है। कोई ईपीएफ ईएसआई तो दूर की बात है इन विभागों में, मतलब इस प्रकार के विभाग हैं जैसे ये सरकारी विभाग ना होके कोई किसी खाली जगह बाड़ा है, या कोई भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर इन तीनों विभागों में है कि जिनका अगर हम जाके दिखाएं, कोई भी प्रेस का साथी, कोई भी और सरकार किसी भी एजेंसी को नियुक्त करा दे, हम तीनों विभागों में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार पकड़वा सकते हैं। देखिए ये थे हमारे साथ एक जो कर्मचारी नेता शर्मा जी, जिन्होंने हमें इन्होंने ओपन चैलेंज कर दिया है, वो किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से या किसी भी पत्रकार या माध्यम से किसी भी मीडिया के माध्यम से ये कहने को तैयार हैं कि वो इन जो इन्होंने डिपार्टमेंट बताया विस्तार से जानकारी दी कि जहाँ पर इतना भारी भ्रष्टाचार है वो किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाने को तैयार हैं, और यह खुले तौर पर फिर इससे चैलेंज दे रहे हैं कि कोई भी चले हम इस बात को साबित करने को तैयार हैं कि यहाँ पर वेतन को लेकर और पदों में नियुक्ति को लेकर भारी मात्रा में त्रुटियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस आंदोलन के बारे में, आज के धरने के बारे में? आज का धरना जो पूरी स्टेट कमेटी के आह्वान पे पूरे हरियाणा में 3 दिन धरने चलेंगे, जो सरकार की मंशा है सर विभागों को बेचने की उसमें स्पष्ट सरकार दिख रही है, सरकार सरकारी विभागों को बेच रही है, जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का नहीं कर गई, जो भर्ती करनी चाहिए सरकार को और सरकार भर्ती ना करके और अपनी भर्ती करके अपने ही कर्मचारी जो भर्ती किए हैं पीछे सरकार ने 18,200 फोर्थ क्लास के भर्ती की, उसी में से 1900 कर्मचारी आज सड़कों पे निकाल दिए। सरकार एक दोहरी चाल चल रही है। हम कहना चाहते हैं स्टेज के माध्यम से भाई सरकार ही दोहरी नीतियों को बंद करे, विभागों को निजीकरण बंद करे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, जो जन स्वास्थ्य विभाग सिंचाई और B&R विभाग में त्रुटियां उसको दूर करे, वो जो सिंचाई विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग में टेक्निकल स्किल की बातचीत है, B&R में जो 2400 का ग्रेड दिया जा रहा है उसमें जन स्वास्थ्य सिंचाई विभाग को ही कर्मचारी को टेक्निकल स्किल। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती उसके बाद आपका क्या रुख रहेगा? अगला प्रोग्राम जो स्टेट कमेटी हमारी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की जो स्टेट कमेटी है उसका जो प्रोग्राम दिया गया 14 मार्च को पूरे प्रदेश के कर्मचारी करनाल में एक बड़ी रैली करेंगे, उसके बाद भी अगर सरकार ने नहीं मानी तो फिर भी जो फैसला स्टेट कमेटी का होगा उसको कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहेगा। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो कर्मचारी अभी धरने पर बैठे हैं ये आने वाले तीन दिनों के अंदर पूरे प्रदेश भर में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। पहले एक दिन में 7 जिलों को कवर किया जाएगा। इन्होंने यह भी बताया कि आगामी 14 तारीख को स्टेट कमेटी के आह्वान पर करनाल में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे एक महारैली निकाली जाएगी, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती और उनकी मांगों पर विचार नहीं करती, उनकी मांगों को नहीं सुनती तो स्टेट कमेटी जो इनको आदेश करेगी उसी के अनुसार ही अपनी रणनीति तैयार करेंगे, उसी के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और इनका यह भी कहना है कि सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने डिपार्टमेंट हमें बताया कि पब्लिक हेल्थ इरिगेशन और B&R के अंदर जिस तरह से खामियां हैं उसको सरकार को करना चाहिए, उनको सरकार को दूर करना चाहिए, लेकिन जो सरकार है इन विभागों को बेचने की तैयारी कर चुकी है, निजीकरण कर चुकी है, जिनकी भर्ती होनी चाहिए उनकी भर्ती नहीं की जा रही, वेतन के नाम पर और पदों में जो नियुक्ति के नाम पर भारी त्रुटियां हैं, इन सभी मांगों को लेकर पिछले काफी लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही ना इनकी बातों को गौर कर रही है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 12 में बिना जिला सचिवालय के बाहर, जहां पर भारी संख्या में कर्मचारी नेता मौजूद हैं PWD के, और यहां पर ये अपनी एकता को जिंदाबाद करने के लिए दर्शा रहे हैं। देख सकते हैं आप सैकड़ों की संख्या में नेता मौजूद हैं, और उन्होंने हमने आपको स्पष्ट तौर पर बता दिया कि आगामी इनकी रणनीति क्या है, आने वाले 3 दिनों के अंदर पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।